हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट ऑल फाइन फाइनेंस सेफ तो लास्ट टू डेज रह गए हैं स्लैट के एग्जाम में तो so डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी डन व्हाट कैन बी डन हाउ कैन बी डन हाउ टू डिसाइड ये डिस्कस करने वाले हैं स्लैट फाइवर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कि आपका सिम्बाइसिस का एग्जाम है तो so अब गाइज अब ये लास्ट चांस है ठीक है ना मतलब ये अगर आपको इसकी फ़ीस से कोई दिक्कत नहीं है इस कॉलेज की एंड यू कैन गो फॉर सच अ कॉलेज तो आई थिंक आपको यू नो क्लाट आपका नहीं हो पाया है तो स्लैट अगर आपको एस एल एस पुणे नोएडा ठीक है आपको यू you नो know, ये तो बेस्ट ही है पुणे नोएडा और अगर कोई और लोकल कॉलेज से तो अच्छा ही है अगर आपको हैदराबाद नागपुर मिल जाता है राइट right? तो प्लीज गाइस सीरियसली लो सिम्बाइसिस जो है पुणे नोएडा बहुत अच्छा कर रहा है प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है ठीक है तो प्लीज सीरियसली लो इस एग्जाम को एंड बहुत सारे बच्चे अब मुझे पता है ड्रॉप का कंसिडर करने लग गए होंगे बट प्लीज इस एग्जाम को ये दो दिन अच्छे से कर लो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो डिस्कस करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इन टू डेज में कैसे बेस्ट यूज करना है इन टू डेज का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे सिक्सटी क्वेश्चन हैं ठीक है वैट जो है आपका एम सी क्यूज वाले पेपर के साथ में नहीं हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग ट्वेल्व लीगल रीजनिंग ट्वेल्व एनालिटिकल रीजनिंग जिसके अंदर मैथ्स भी आ जाता है इंक्लूडेड मैथ्स मैथ्स भी आ, साथ में है इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जनरल नॉलेज ट्वेल्व 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 क्वेश्चन आते हैं अब देखिए आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो है फोरटीन में टेन टू नाइन टू टेन ए एम के बीच में आपका एग्जाम होगा तो अगर अभी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट इसी टाइम के बीच में प्रैक्टिस करें ठीक है आप मेरे मॉक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं जो डब्ल्यू डब्ल्यूट इन पर अवेलेबल ठीक है डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने मॉक दिया ठीक है मॉक को एनालाइज किया ठीक है और अपनी वीक पॉइंट्स वीक टॉपिक्स निकाल लिए और उस पर आप वर्क कर रहे हैं योर वर्किंग ऑन देम, ठीक है बहुत ही बढ़िया बात है ये करते रहिए इससे मत हिलिए, क्योंकि अगर आप ये चीज करेंगे कि आप मॉक लेंगे मॉक को एनालाइज करेंगे वीक टॉपिक्स पे काम करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि ऑन दी डे ऑफ द एग्जाम आप अपना एग्जाम बहुत बढ़िया देकर आएंगे जितना आपने सोचा था उससे बढ़िया आपका एग्जाम जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम कर रहे हो क्या हम टू डेज में वीक टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है यहाँ पर जो नहीं कर सकते जो नहीं कर सकते वो हम डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगी कौन सा हम नहीं इम्प्रूव कर सकते बट कुछ टॉपिक्स हैं मेजर टॉपिक्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो अगर तो ये आपकी सिचुएशन है बहुत बढ़िया है मत इसको कुछ भी छेड़ना जैसा चल रहा है चलने दो कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे हैं कि हमें बताओ कि रिविजन कैसे करनी है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की

ठीक है जो नेक्स्ट हमारा चीज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात है वो है लीगल रीजनिंग लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए ठीक है अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे वीक है नहीं तो आप अपना थ्योरी भी मतलब इनमें से या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकते हैं या थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं एंड एम जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल जी uh, के एम सी क्यूज है वो भी कर सकते हैं अब इसमें से डिसाइड करना पड़ेगा आप किस चीज़ में आपको लग रहा है कि आप वीक हैं जिसपे काम करने की जरूरत है वो आप कर सकते हैं नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं तो आप थोड़े से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन और एम सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए इन दो दिनों में उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग मतलब आर्ग्यूमेंट्स अजम्प्शन वाले टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आप रूल्स रिवाइज कर जाइए प्लस रैंडम कुछ सेम क्वेश्चंस ही सॉल्व कर कर जा सकते हैं करंट अफेयर्स में अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स जरूर रिवाइज करके जाए और मॉक टेस्ट के अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं करंट अफेयर के वो जरूर जरूर रिवाइज करके जाए उसके बाद स्टैटिक अगर आपने एम पढ़े हैं नोट पढ़े हैं वहाँ से आपकी रिविजन हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स हैं तो सीधा डायरेक्टली एम में से रिवाइज कर जाइए मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर जाइए ठीक है ना ये आप कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वीक टॉपिक्स में अगर आपका वीक टॉपिक लीगल है लॉजिक है मतलब ब्लड रिलेशन ये सब है लॉजिक का भी एनालिटिकल और लॉजिक का भी आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने करें हैं वो रिवाइज कर सकते हैं ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट एनालिटिकल है ठीक है आर्ग्यूमेंट्स एक्जाम्शन टाइप के क्वेश्चन मैथ्स अगर ठीक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए रीडिंग कॉम्प्रिंशन मैंने लास्ट में लिखा है बट अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वीक है आप अभी भी इसको ठीक कर सकते हैं मैंने वीडियो भी किया था ठीक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वीक है काम कर सकते हैं उसपे आपका एनालिटिकल वीक है काम कर सकते हैं लॉजिक वीक है काम कर सकते हैं लीगल देखिए इनमें से ट्वेल्व ट्वेल्व क्वेश्चन आने हैं। 12 क्वेश्चंस ठीक है मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 12 क्वेश्चंस तो आपको जो भी इनमें से लग रहा है कि मेरा ये वीक है इसको उठाओ इसके टॉपिक्स उठाओ और पढ़ो मैं अभी आपको टॉपिक्स की लिस्ट देने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके पास ये ऑलरेडी है कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ मैं इस वीडियो में तो करो ना दो दिन में भी कर सकते हो क्यों नहीं कर रहे हो सब कह रहे हैं हमारे यहाँ पे इसको रुक गया है क्यों रुक गया है इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत है अपने कंफर्ट जोन से निकलने की मतलब एक टॉपिक topic, बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि ये मेरे वीक हैं बट आप अंदर से अपने आप को उठा नहीं पा रहे हो कि मैं उनको पढ़ लूं तो पढ़ लो ना क्या दिक्कत है बताओ करंट अफेयर स्टैटिक देखिए छोड़ दो कर दिया जितना पढ़ा था उतना पढ़ लो करंट अफेयर्स दो दिन में आप नहीं प्रूव कर सकते बट आपको करंट अफेयर्स वापस से आके पढ़ने पड़ेंगे जनवरी से लेकर अब तक के पढ़ने पड़ेंगे कम से कम मार्च अप्रैल के तो पढ़ने ही पड़ेंगे मार्च अप्रैल में अगर इंटरव्यू क्लियर करना है ठीक है वो भी मैं आपको बता रही हूं अभी बाद में कहोगे नहीं करंट अफेयर्स शॉर्टकट से नहीं होंगे अगर इंटरव्यू क्लियर करना है वो पकड़ लेंगे आपको ठीक है तो ये बट अभी अगर हम सोचे अगर अभी हम सोचे हमें ये एम वाला पेपर निकालना है तो क्या हम इसमें से क्या वो चीज है जो हम उठाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो मेरा वीक है उसको पढ़ लूं तो मैं क्या इन दो दिनों में अपने एट टू नाइन मार्क्स नहीं बढ़ा सकती और बेटा अगर एट टू नाइन मार्क्स बढ़ा लिए तो आ गई इंटरव्यू की कॉल आ गई इंटरव्यू की कॉल हाउ टू अटेम्प्ट अगर आपकी दिक्कत जो है वो हाउ टू अटेम्प्ट में देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भैया हम कुछ भी अटैम्प्ट मतलब सब कुछ ही अटैम्प्ट करके आना होता है और यहाँ पर मैंने जैसा आपको सिखाया है हाउ टू तो अटैम्प्ट वाली वीडियो देख लेना मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट दे दूंगी उसमें से ले लेना टू राउंड में क्वेश्चन करने हंड्रेड परसेंट वाले पहले और सेकेंड में गैस वर्क वाला करना है ठीक है ये वाली चीजें आपकी ये प्रैक्टिस करके जाओगे मेरे मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं और से भी कर सकते हो प्रैक्टिस अगर नहीं किया है मॉक अटेम्प्ट करना तो कर लो ठीक है मेरे मॉक्स डब्ल्यू पर अवेलेबल है ऑनलाइन रीडिंग अब बहुत बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे हैं कि हमें ऑनलाइन रीडिंग करने में ऑनलाइन रीडिंग फोकस नहीं हो पा रहा है तो क्या करें न्यूज खोलो न्यूज खोलो ऑनलाइन न्यूज खोलो या कोई भी वेबसाइट न्यूज वाली खोलो रैंडम फॉर सिक्सटी मिनट स्ट्रेट ठीक है क्या करोगे चार पांच बार प्रैक्टिस करो फोर टू फाइव टाइम्स इन अ डे क्या प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेट सिक्सटी मिनट्स के लिए पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ समझते जाओ कर सकते हो फोकस हो जाएगा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लो अगर नहीं करें तो ऑनलाइन ये भी कर सकते हो मॉक टेस्ट खत्म हो गया ऑनलाइन रीडिंग न्यूज़पेपर खोलो उसको ऑनलाइन पढ़ो टाइम देख देख के सिक्सटी मिनट्स स्ट्रेट 60 मिनट्स एक साथ फोकस करना है स्क्रीन पे हो जाएगी प्रैक्टिस क्या दिक्कत है इसमें बताओ हर कोई करता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ ठीक है मैं फोर आवर्स फाइव आवर्स डायरेक्ट स्ट्रेट मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया से लेकर के तक के क्लास तक ठीक है डायरेक्ट मतलब एक बार पढ़ना स्टार्ट किया टाइम ऑफ क्लास आराम से फोर एंड हाफ फाइव आवर्स हो जाते हैं तो फोकस होता है और वो कैसे हो गया एक दो दिन करके ही हो गया था तीसरे दिन प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जितने दिन है उतने में बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे दिस इज वॉट यू शुड डू आपको कोई और दिक्कत आ रही है कॉमेंट डाउन बिलो मैं रिप्लाई करूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वीडियो किया हुआ है डायरेक्ट प्रॉब्लम है वो वीडियो देख लेना फोर मिनट्स का वीडियो है देख लेना लीगल रीजनिंग में रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाना असर्शन रीजन आर एस अगरवाल में से देख जाना कैसे सॉल्व करना है बाकी आपकी नॉलेज है जो अप्लाई करनी होगी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एम क्यूज देखिए सबसे पहले अगर आपकी रीजनिंग वीक है लीगल में तो रीजनिंग सबसे पहले फोकस होना चाहिए क्योंकि रीजनिंग में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले ठीक है ना उसके बाद आपको जाना चाहिए असर्शन रीजन तो एक बार नजर ही मानिए कैसे सॉल्व करना है उसके बाद आप एमसीक्यूज पे जाएंगे कि एमसीक्यूज देख लें ठीक है अगर रीजनिंग ही वीक है सबसे पहले रीजनिंग ठीक करोगे ये आपके टाइप ऑफ आपका एनालिटिकल का सिलेबस है एनालिटिकल में ये आता है प्लस मैथ्स ठीक है ना ये ट्वेल्व क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे और ट्वेल्व यहाँ से बनेंगे ठीक है अब देखो यार आपको मुझे पता है मोस्टली बच्चों को ये जो होता है इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है ये डिफिकल्ट लगता है बट अगर आपका ये अगर तो ये दोनों में से कोई भी जो सही लगता है ये आपका कवर होना चाहिए 24 मार्क्स बनते हैं इसमें से आपके अब मुझे पता है लास्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें मैथ्स आता है इस बार क्या आ सकता है कुछ नहीं पता इस बार वो एनालिटिकल डाल दें या मैथ्स डाल दें कुछ नहीं पता है तो हम क्रॉस आउट नहीं कर सकते टॉपिक्स ठीक है बुक्स को आपको पता है एनालिटिकल रीजनिंग के लेख के पांडे ठीक है और ये वाले टॉपिक्स के लिए आर एस अग्रवाल उसके बाद मैथ्स मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स हैं ठीक है ये वाले टॉपिक्स आप 18 डेज वंडर बाय में से वो टॉपिक्स आप मैथ्स के कवर कर सकते हो तो अगर आपको कोई भी डाउट है कॉमेंट डाउन बिलो दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एल सी सुपसून बाय केयर